सरकार नमस्कार माहौल सर सी ए फाइनल सीएस फाइनल और सीएमए फाइनल एग्जाम्स जो मे ट्वेंटी टू या जून टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में होने वाले हैं अमेंडमेंट लेक्चर सर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अवेटिंग अमेंडमेंट लेक्चर्स फॉर मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एग्जाम्स सर सबसे पहली बात ध्यान रखिए सर बहुत सारे अमेंडमेंट्स नहीं है दूसरी बात यहां पे मैं अमेंडमेंट नोट्स ओपन करूंगा और उसके साथ एक एक पॉइंट हम बात करते रहेंगे कि पहले क्या था और अभी क्या अमेंड हो गया क्या प्रोविजन है और उसका क्या रीजन था ओके okay, सर थर्ड बात आपको ये अमेंडमेंट नोट्स कहां से मिलेंगे सर ये अमेंडमेंट नोट्स क्या है तुम्हें पहले बता देता हूं ये देखिए आप सर ये अमेंडमेंट नोट्स है ये अपनी जो मेन बुक है सी ए फाइनल की जो मेन बुक है सर वॉल्यूम वन टू थ्री उसके उन पेजेस को स्कैन करके अपलोड किया हुआ है जहां जहां जिन जिन पेजेस पे अमेंडमेंट थे सो so दैट अगर आपके पास मेन बुक अपनी है या कोई भी दूसरे ऑथर की बुक है कोई दिक्कत नहीं है आप रेस्पेक्टिव टॉपिक के अंदर डायरेक्ट उस पॉइंट पर जहां अमेंडमेंट था जैसे फॉर एग्जांपल जहां अमेंडमेंट है वहां हमने ए मार्क किया हुआ है ए फॉर भाई सी ए में ए फॉर एप्पल नहीं होता ए फॉर अमेंडमेंट सर तो वहां पर हमने इस तरह से मार्किंग करी हुई है कि वही पर अमेंडमेंट है पूरा पेज अमेंडेड नहीं है क्लियर तो आपको अपनी बुक के अंदर इस अमेंडमेंट को इंसर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सबसे पहला तो ये ओके सर सारे अमेंडमेंट नहीं क्लियर और हां क्योंकि सिंस इन पेजेस में एक एक वर्ड भी अगर चेंज हुआ तो पूरा पेज हमने ज्यादा होंगे बाकी अमेंडमेंट्स बहुत सारे नहीं है तीसरी बात जिसने भी अच्छा हो सकता है मैंने दूसरी तीसरी बार दो बार बोल दिया पर ठीक जो भी बात कर रहा हूं मैं सर जिसने भी कॉन्सेप्चुअली टॉपिक्स को पढ़े हुए हैं उनके लिए अमेंडमेंट्स पढ़ना बहुत इजी होता है अमेंडमेंट की वजह से कोई फंडामेंटल चेंज नहीं होता है अमेंडमेंट्स आर मेयर इंप्रूवमेंट इन द लॉ जहां पे भी सर गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ इंडस्ट्री के लिए रिक्वायरमेंट है या लॉ मेकर से कुछ ना कुछ यहाँ पे एरर हुआ है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए अमेंडमेंट होते हैं क्लियर अच्छा प्लस कुछ सर्कुलर भी इशू हुए हुए हैं सर्कुलर्स आर मेयर क्लेरिफिकेशन बाई द डिपार्टमेंट इंडस्ट्री को किसी पर्टिकुलर प्रोविजन में कोई इशू आ रहा था तो उसको क्लेरिफाई करने के लिए डिपार्टमेंट क्या करता है सर्कुलर इशू करता है और हाँ सर्कुलर के ब्राइट चांस ये होते हैं कि उन सर्कुलर के बेस पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कुछ टाइम हुआ भी ऐसा कि सर डायरेक्ट उस सर्कुलर के बेस पे एक क्वेश्चन बन गया और उसी सर्कुलर के बेस पे आपका आंसर आपको देना था तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए अगर आपने ये अमेंडमेंट लेक्चर देखे हुए अमेंडमेंट नोट्स आपने देखे हुए तो ओके अच्छा नेक्स्ट बात सर ये अमेंडमेंट नोट्स कहाँ से मिलेंगे सर अपनी जो वेबसाइट है वाई एम कॉन्सेप्ट डॉट कॉम उसमें फ्री पी डी एफ एंड अमेंडमेंट नोट्स वाला टैप दे रखा है सर वहां पर जाके आप अमेंडमेंट नोट्स फॉर मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फॉर सी ए फाइनल मेन बुक इसको डाउनलोड कर लेना अच्छा हमने समरी बुक के अंदर अगर आपके पास मान लो समरी बुक भी हमारी है जो नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के अकॉर्डिंग है तो सर उसके भी जिन जिन पेजेस पे अमेंडमेंट थे वो भी हमने स्कैन करके वहां पर अपलोड किए हुए हैं सो दैट आपका समरी बुक भी अपडेट हो जाए

नंबर ऑफ पेज देख डरने का नहीं क्योंकि ये उन पूरे पेजेस का स्कैन कॉपी है जहां जिस पेज पे अमेंडमेंट था भले उसमें एक वर्ड ही अमेंड क्यों ना हुआ ओके okay, तो सरकार शुरू करते हैं अच्छा उससे पहले मैं आपको बताता हूं लेक्चर में कवर क्या होता है सर सबसे पहली बात तो ये कि अमेंडमेंट्स जैसा आपको बताया ICAI एग्जाम मंथ से सिक्स मंथ पहले तक के अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल हो जाते हैं वो रिलेवेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में ओके okay, तो सर आपके एग्जाम्स मई 2022 में अगर है तो ऑल दी अमेंडमेंट्स विच आर मेड इफेक्टिव टिल 31st ऑफ अक्टूबर 2021 विल बी रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स ओके प्लस आपने अगर नवंबर 2021 एग्जाम दिया है या जो आपने लेक्चर्स परचेस किए वो नवंबर 2021 के लिए amended थे मतलब वो 30th अप्रैल 2021 तक amended होंगे क्लियर तो अगर आपने ये लेक्चर्स लिए हैं तो सर अगर आपने ये लेक्चर्स लिए जो amended थे टिल 30th अप्रैल 2021 तो जैसा मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि मैं आप आपके लिए amendment lectures अपलोड करूंगा youtube पे वो amendment lecture ये आ रहे हैं इस amendment lecture में इन दो डेट के बीच में जितने भी amendments हुए ये हम कवर करने वाले हैं क्लियर तो ये जो अमेंडमेंट लेक्चर्स होंगे इसमें एक मई दो हजार इक्कीस है फर्स्ट ऑफ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी ये हम डिस्कस करने वाले ये हम समझने वाले ये हम पढ़ने वाले विच विल बी रिलेवेंट फॉर योर मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो चलो शुरू करें बात को ओके okay, तो सरकार सबसे पहला अमेंडमेंट सर चैप्टर नंबर थ्री जो अपनी बुक का है टाइम ऑफ सप्लाई वहां पर एक नोटिफिकेशन जो था बिल्डर्स के लिए वहां पर अमेंडमेंट हुआ है हल्का सा सर यहां पर लॉ मेकर ने इंप्रूवमेंट किया है लॉ के अंदर देर वाज एन एरर इन द लॉ इन दिस नोटिफिकेशन उसको करेक्ट किया है बाकी एस मेजर कोई चेंज नहीं हुआ है पहले बताता हूं कि ये नोटिफिकेशन क्या था सरकार बिडर पहले तो बताता हूं ये टॉपिक क्या है तो ये तो आप सर कर पाएंगे सर इसको अमेंड समझ पाएंगे अमेंडमेंट समझ पाएंगे सुनिएगा बात को ध्यान से सर

एक तरह से वो 150 फिफ्टी फ्लैट जो बिल्डिंग में बनाने वाला है बिल्डर उसमें से 50 फ्लैट तो ऑलरेडी बुक हो गए सब हाँ है ना सर और आपको पता है जितने फ्लैट बुक हो जाते हैं बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच इज अर्लियर वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आते हैं पर आतेड्यूल टू पेराज बी तो सर बिल्डर ने एक तरह से क्या किया पचास फ्लैट ऑलरेडी बुक कर दिए अच्छा ये मैं क्यों रिवाइज करा रहा हूं आपको कि प्रोविजन क्या है कोई अमेंडमेंट अभी इसमें नहीं है ओके हाँ बिल्डर ने क्या किया पचास फ्लैट ऑलरेडी बुक कर दी सोसाइटी ने क्या किया डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किए या फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया या एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया या हो सकता है वो सोसाइटी ने ने या ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म लीज थर्टी और मोर देन थर्टी लॉन्ग टर्म लीज पे वो एरिया वो लैंड दिया है बिल्डर को उसके अगेंस्ट बिल्डर क्या कर रहा है कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हाँ ना बच्चों तो इट्स अ काइंड ऑफ बाटर तो यहां पर सोसाइटी भी क्या कर रहा है सर्विस कर रहा है बिल्डर को और उस सोसाइटी की सर्विस पर भी टैक्स लगता है पर उसमें रिवर्स चार्ज है बिल्डर इज टू टू पे टैक्स मैके गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज और जो कंस्ट्रक्शन सर्विस बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है पचास प्लेट बुक कर दी उसने उस पर भी बिल्डर ही लाइबल है साहब अब सोचो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके बीच में तब साहब अभी तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को तोड़ना है बिल्डर को पूरा डिमोलिश करेगा एरिया तैयार करेगा डिगिंग करेगा ए हाँ ना और सर उसके बाद 150 फिफ्टी फ्लैट जो बनाएगा उसमें से 50 तो उसको फ्री में देना एग्जिस्टिंग लोगों को फिर जो 100 फ्लैट बचेंगे उसकी जो बुकिंग होगी उसमें जो पैसा आएगा उससे बिल्डर का थोड़ा बहुत रेवेन्यू आएगा तो सर सोचिए जब प्रोजेक्ट का डील फाइनल हुआ है उसी टाइम 50 फ्लैट तो बुक हो गए और डेवलपमेंट राइट भी ट्रांसफर हो गए और इस दोनों पर जी एस टी की लाइब्रेटी किसकी है प्रमोटर की है बिल्डर की है अब सोचो प्रमोटर को अभी तो कुछ मिला नहीं और जेब से करोड़ों का टैक्स पे कर दे सर कितनी बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी उसके लिए कितना बड़ा दर्द होगा उसको इसीलिए ये स्पेशल पावर यूज किया सेक्शन नंबर 148 का गवर्नमेंट ने और सेक्शन नंबर 148 का स्पेशल पावर यूज करके गवर्नमेंट ने क्या किया था उसकी लाइबिलिटी शिफ्ट कर दी थी और लाइबिलिटी शिफ्ट करके बोल दिया कि उसकी लाइबिलिटी आएगी कब जब इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू होगा फ्रॉम दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विचर इज अर्लियर है ना उस टाइम लाइबिलिटी आएगी ओके ये प्रोविजन पहले था अभी भी है अब सर यहां पे एक छोटा सा इश्यू क्या था यहां पे लाइबिलिटी शिफ्ट करी गवर्नमेंट ने पर सर सेक्शन नंबर 148 जिसका पावर यूज करके गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन दिया सर ये सेक्शन 148 में लाइब्रेडी शिफ्ट करने का पावर गवर्नमेंट के पास नहीं था हां गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो स्पेशल प्रोसीजर डिफाइन कर सकते हैं फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स वो पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए स्पेशल प्रोसीजर दे सकते हैं पेमेंट को डिले करने के लिए अलाउ कर सकते हैं पेमेंट को शिफ्ट कर सकते हैं लाइब्रेडी शिफ्ट नहीं कर सकते बस ये लाइब्रेड वर्ड को हटा के उन्होंने पेमेंट वर्ड लिखा बाकी कोई चेंज नहीं है सर एस सच क्लियर तो टेक्निकली देखा जाए तो एस सच अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत मेजर चेंज नहीं है साहब क्लियर केवल टेक्निकल चेंज किया गवर्नमेंट ने नहीं लॉ मेकर से लाइब्रिटी शिफ्ट करने की बात आ गई थी जबकि लाइब्रेटी शिफ्ट करने का पावर गवर्नमेंट को नहीं था सेक्शन नंबर एट में तो लाइब्रिटीटी तो कब आएगी इस पर टाइम ऑफ सप्लाई ही आएगी साहब क्लियर पर उनके रेस्पेक्ट में वो पेमेंट कर सकते हैं कब वो बोला है क्या द रजिस्टर्ड पर्सन हुटी टू पे टैक्स इन वर्ड्स को

और डेवलपमेंट राइट right वालों की बात करें सोसाइटी की बात करें तो उन्होंने जैसे ही डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया सप्लाई और सर्विस कंप्लीट विद इन थर्टी डेज बिल इशू करो और टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा हा है ना मतलब प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ उसी टाइम लाइब्रिटी आ गई इन पर टाइम सप्लाई के हिसाब से तो टाइम और सप्लाई को शिफ्ट नहीं किया लाइब्रिटीटी को शिफ्ट नहीं किया और यहाँ पर लाइब्रिटी को वर्ड को काट के बोल दिया कि पेमेंट का जो सिस्टम है इनका टैक्स का जो पेमेंट है वो हम शिफ्ट कर सकते हैं वो हमने शिफ्ट कर दिया और बोल दिया क्या कि इन केसेस में बिल्डर प्रमोटर शेल पे द टैक्स

जो हमने लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था उसमें देखा जाए तो जो मैंने भावनाएं आपको बताई है बीस अमेंडमेंट लेक्चर में भी बताई मैंने आपको वो भावना ही कोई चेंज नहीं बस टेक्निकल एक इश्यू था इस नोटिफिकेशन में जो रेक्टिफाई किया सरकार। की तरफ बढ़ते हैं। सरकार, नहीं है, एक है सर हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर फोर और सेक्शन नंबर फोर में जो नवंबर ट्वेंटी था उसमें हमने बात करी थी

टैक्स इन्व रिसीव हो गया आपको उसके बाद उस फाइनेंशियल ईयर में तो कभी भी क्रेडिट ले सकते हो अवेल कर सकते हो और वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद सेप्टेम्बर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एवर इज अर्लियर तक आप कभी भी क्रेडिट लो हमें कोई कंसर्न नहीं है अच्छा अब फर्स्ट ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से पहले क्या था डेबिट नोट कब इश्यू हुआ है उससे कंसर्न नहीं था वो डेबिट नोट जिस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में इश्यू हुआ था वो इन्वेस्ट जिस ईयर में इश्यू हुआ वो फाइनेंशियल वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद, का करने का बाद रेज किया तो डेबिट नोट कर, तो लेने का टाइम लिमिट ही निकल गया था इस पर पुराने नया प्रोविजन और नए प्रोविजन के हिसाब से क्या हुआ सर ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको बेटा सर नए प्रोविजन के हिसाब से क्या हुआ जिस दिन डेबिट नोट इश्यू हुआ है उस डेट से मतलब उससे रिलेटेड जो टैक्स इन्वेस्ट था ओरिजिनली वो कब इशू हुआ उससे मतलब नहीं हुआ कुल मिला के सेक्शन नंबर सब सेक्शन फोर ने जो अमेंडमेंट किया था सेक्शन सेक्शन नंबर सब में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग सर डेबिट नोट और उससे रिलेटेड जो टैक्स इन्वेस्ट इशू हुआ उसको डी लिंक कर दिया उसका लिंकिंग नहीं रखा जब डेबिट नोट इशू हुआ है उसके बाद उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में और उसके बाद सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न इज अर्लियर तक आप क्रेडिट ले सकते हो उस डेबिट नोट का क्लियर तो सर्कुलर ये बोलता है कि सिंस ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुआ फर्स्ट ऑफ जनवरी 2021 से ये जो 2020 ने अमेंडमेंट किया था ये एप्लीकेबल हुआ था सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया इशू कि हो चुके थे ऑन और बिफोर फर्स्ट ऑफ जनवरी टू सॉरी बिफोर फर्स्ट ऑफ जनवरी टू मतलब 31 दिसंबर 2021 2020 तक थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2020 तक जो डेबिट नोट इश्यू हो चुके थे उनके बेस पे जो क्रेडिट लेना है क्या उसके लिए भी ये नए अमेंडेड प्रोविजन अप्लाई होंगे पहले इश्यू हुआ हो या उसके बाद इश्यू हुआ हो नए प्रोविजंस ही अप्लाई होंगे अगर उस डेबिट नोट के बेस पे आपको अभी क्रेडिट लेना बाकी है तो पर हां जिन डेबिट नोट के बेस पे आप ऑलरेडी क्रेडिट ले चुके हो पहले

the eligibility for availment of ITC will be governed by amended provisions of section number 16 नंबर फोर वेर इज आई टी सवेल्ड प्रायर टू फर्स्ट ऑफ जनवरी आई टी सी ऑलरेडी ले चुके हो इन रेस्पेक्ट ऑफ डेबिट नोट उन तो सर ऑब्वियसली ये प्रोविजन जब थे ही नहीं उस टाइम आप आई ले चुके तो ले चुके ना क्या दिक्कत है सर तो सर एक्चुअली गवर्नमेंट ने फायदा दिया एस एस को कि डेबिट नोट पुराना भी हो तो भी नए प्रोविजन के हिसाब से आप क्रेडिट ले सकते हो अगर अब तक क्रेडिट नहीं लिया तो ओके okay. वैसे ऐसे देखा जाए तो ये वन टाइम सर्कुलर है एक जनवरी 2021 के दिन जो पोजीशन थी डेबिट नोट की उसके लिए था आगे जाके कोई मेजर कोई ऐसा कोई काम आने वाला नहीं है प्रोविजन ओके okay? डन चलिए सरकार आइए अगले हम अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं जॉब वर्क वाला जो सेक्शन था सर जॉब वर्क वाले जो प्रोविजन से उसमें सर यहां पर एक अमेंडमेंट किया सर आपको मैं पहले प्रोविजन बताता हूं कि जॉब वर्क के केस में सर ये रूल क्या कहता था ये प्रोविजन क्या कहता था मैं आपको समझा देता हूं साहब सुनिए ध्यान से सर जॉब वर्कर के में, हम बात कर रहे हैं जॉब वर्क केस में जॉब वर्कर ने जो भी गुड्स जॉब वर्कर ने जो भी गुड्स केस में प्रिंसिपल ने जो भी गुड्स जॉब वर्कर के यहां भेजा है और जॉब वर्कर ने वापस कितनी गुड्स प्रिंसिपल को रिटर्न करी है जॉब वर्कर एंड मच गुड्सिव बाई प्रिंसिपल फ्रॉम दॉब वर्कर इसके लिए सर उनको एक फॉर्म नंबर जीएसटी आई टी सी जीरो फोर प्रिंसिपल को सबमिट करना पड़ता था ऑन क्वार्टरली बेसिस बाई ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ द नेक्स्ट मंथ आफ्टर दिलेवन क्वार्टर तो सर पहले एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता था स्टॉक का कि कितना गुड्स प्रिंसिपल ने जॉब वर्क करके भेजा और कितना गुड्स वापस है आ गया तो सर उसके लिए जो स्टेटमेंट था वो फॉर्म नंबर जीएसटी आई जीरो फोर क्वार्टरली फाइल करना पड़ता था अब उस क्वार्टरली वर्ड को हटा के स्पेसिफाइड पीरियड लिख दिया है और उसके अंदर डिफाइन कर दिया स्पेसिफाइड पीरियड को और बोल दिया क्या एनुअली

हा जिन असेसिस का ईयर में एग्रीगेट ट करोड़ कितना बेटा एक्सीडिंग सॉरी एक्सीडिंग रुपीज फाइव करोड़ अगर इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियर में आपका एग्रीगेट टनोर था तो उन लोगों के लिए ये हाफरली होगा मतलब उनको सर अप्रैल टू सेप्टेंबर के लिए नंबर का फॉर्म अलग से फिल करना पड़ेगा बाय और सर October से जीरो था क्वार्टरली सबके लिए कर लिया एनुअली और सर यानी ना जिनका प्रेसिडिंग इमिजिएटली प्रेसिडिंग्रीकेट टर्न ओवर्स एक्सीडिंग रुपीज फाइव करोड उनके लिए कर दिया हाफ ईयरली और बोल दिया ये रेस्पेक्टिव पीरियड खत्म होने के बाद ट्वेंटी नेक्स्ट मंथ

क्लियर ये आईटीसी भी खत्म हो गया है कल दो अमेंडमेंट तो छोटे से ओके अमेंडमेंट में क्या था सर एक तो सर डेबिट नोट के बेस पे फर्स्ट जनवरी 2021 वाले सर्कुलर इश्यू हुआ कि उस दिन से पहले के डेबिट नोट अगर है तो सब क्रेडिट बाद वाले प्रोविजन के हिसाब से लगेगा या पुराने प्रोविजन लगेंगे क्लियर और एक ये जोवर के लिए आईटी04 एनवली कर दिया वो सरकार आइए अब डायरेक्ट चैप्टर नंबर एट में आई जी एस टी एक्ट में अरे सरकार माहौल बन रहा होगा शायद कॉन्फिडेंस बन रहा होगा और आपको अंदर ही अंदर एक खुशी हो रही होगी अरे हाँ मजा आ रहा है सर फटाफट फटाफट हो रहे हैं एंड सर बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं उसका तो बहुत ज्यादा खुशी हुरी हुरी हो रहा होगा आपको शायद नहीं हो रहा तो खुशी बनाओ छोटी छोटी बातों की खुशी बनानी चाहिए सर माहौल बनता है उससे सरकार आप भी सोच रहे होंगे मंगल पढ़ाने भी ध्यान लगाना सर क्योंकि इधर उधर बातें कर रहा है ठीक है सर पढ़ा लेते हैं हमारा तो क्या नौकरी यही है सर सेक्शन नंबर थर्टीन सब सेक्शन थर्टीन सेक्शन नंबर थर्टीन सेक्शन थर्टीन ऑफ दी आई जी एस टी एक्ट सर आपको पता होगा वेन एवर सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपेंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर थर्टीन के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई निकलता है और वहां पर सेक्शन नंबर थर्टीन में सब सेक्शन थर्टीन में गवर्नमेंट को पावर दे रखा है कि सिंस ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन अवॉइड दी डबल टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन ऑफ एनी ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ ट्रांजेक्शन को नोटिफाई कर सकती है और नोटिफाई करके गवर्नमेंट बता सकती है कि इन इन केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ये रहेगा और उसके अकॉर्डिंग ही टैक्सेबिलिटी डिफाइन करेंगे और ये पावर यूज करके गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दो सर्विसेस तो नोटिफाई करी हुई थी थर्ड एक और कर दी साहब फर्स्ट तो आपको पता होगा फर्स्ट तो आपको पता होगा आर एंड सर्विसेज फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए ये ऑलरेडी था कोई चेंज नहीं सर सेकंड सर देखना सेकंड काम का है मेंटेनेंस रिपेयर्स एंड ओवरहोल सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट इंजिन अदर कंपोनेंट्स और पार्ट सप्लाइड टू अ पर्सन फॉर यूज इन दर्स और फर्दरस ऑफ बिजनेस ये था एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट इंजिन एक्सेट्रा के लिए सेम पॉइंट अभी ऐड कर दिया है सर शिप

या वैसल हो या उसके इंजन हो या पार्ट्स कंपोनेंट्स हो इसका अगर रिपेयरिंग करना है तो सर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द गुड्स इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई द सर्विसेज तो पर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज का प्रोविजन सेक्शन नंबर सब सेक्शन लगता था कि जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा पर अगर मान लो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में कोई एयरक्राफ्ट आया आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन का एयरक्राफ्ट इंडिया में आया और इंडियन की इंडिया की कंपनी कोई रिपेयरिंग कर रही है कोई मैकेनिक यहाँ का रिपेयरिंग कर रहा है सब

अमेंडमेंट इंपैक्ट नहीं आया क्योंकि यहां पे सप्लायर इंडिया का रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया का प्लेस ऑफ ऑफ सप्लाई भी आउट इंडिया और अगर फॉरेन करेंसी आ गया और दोनों पर्सन सेम पर्सन की डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आ जाएगा ये पहले भी था अभी भी हो रहा था कोई एस सच को चेंज इस वाले सेक्टर के लिए नहीं हुआ पर अगर अब इंपैक्ट कहा आया अगर इंडियन कंपनी है सर इंडिया का वेसल है इंडिया का शिप है या उनके इंजन कंपोनेंट पार्ट्स वगैरह है और वो अगर आउट ऑफ इंडिया की कोई कंपनी मान लो यहाँ से कोई वेसल इंडियन वेसल गया सिंगापुर और सिंगापुर की कंपनी ने उसका रिपेयरिंग किया अब सर सप्लायर ऑफ सर्विस कहा है आउट ऑफ इंडिया रेसिपेंट ऑफ सर्विस क्या है इंडिया वहाँ पे पहले सेक्शन थर्टीन सब सेक्शन थ्री लगता था वो बोलता था क्या जहां सर्विसेज परफॉर्म हुई वही क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई अब सर्विसेज कहाँ परफॉर्म हुई थी बेटा सिंगापुर सप्लायर ऑफ सर्विस भी सिंगापुर प्लेस ऑफ सप्लाई भी सिंगापुर भले इंडिया का है ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में नहीं आता था जिस पे कोई जीएसटी नहीं लग रहा था पर अब अमेंडमेंट करके क्या बोल दिया सर टैक्सेबिलिटी के स्कोप में ले आए क्यों कैसे ले आए यहां बोल दिया यहां पर कि इन सच सर्विसेज लोकेशन ऑफ दी रेसिपियट शेल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई अब इंडियन कंपनी जिसका वेसल सिंगापुर में रिपेयर हुआ है तो सर सिंगा और सर प्लेस ऑफ सप्लाई भी का हो गया कहां सर्विस परफॉर्म करेप का लोकेशन मतलब इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई अगर हो गया तो सप्लायर आउट ऑफ इंडिया रेसिपेंट इंडिया का और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आ गया और इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्को में आ गया तो रेसिपेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैके राजस्व तो सर इम्पैक्ट जो आया इस सर्विस में अमेंडमेंट करने का वो ये आया कि सर इंडियन शिपिंग कंपनीज अगर आउट ऑफ इंडिया जाकर अपने शिप वेसल या उनके इंजिन या कंपोनेंट या पार्ट्स का रिपेयरिंग कराती है रिपेयरिंग मेंटेनेंस सर्विस या ओवरहोल सर्विसेज कराती है तो ऐसे केस में उनको अब जीएसटी पे करना पड़ जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो सेम अमेंडमेंट किया था एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट के लिए वही अमेंडमेंट शिप और वैसल के लिए कर दिया पर मैंने पूरा आपको लॉजिक और पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया आई होप यू गोट दरमेंट माहौल सरकार ये अमेंडमेंट हुआ है आई जी एस टी एक्ट में सेक्शन नंबर थर्टीन सेक्शन थर्टीन का पावर यूज करके गवर्नमेंट ने यह सर्विस एड कर दी ओके okay? तो आई रिपीट कि सर भली एयरक्राफ्ट हो या शिप हो या वैसल हो या उनके इंजिनस हो या उनके कंपोनेंट्स और पार्ट्स हो उनका अगर मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरहोल सर्विसिंग कराया आपने तो ऐसे केस में अगर आउट ऑफ इंडिया की सर्विस सप्लायर था और रेसिपेंट इंडिया का था तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाय यहां पे इंपैक्ट आएगा और इंपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा और वहां पर टैक्स लगेगा और सर सेम केस अगर सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया का था रेसिपेंट ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया है तो ये अगर एक्सपोर्ट की अदर कंडीशन जैसे फॉरेन करेंसी रिसीव हुआ और दोनों पर्सन सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो ये एक्सपोर्ट के स्कोप में भी आएगा और वहां पर एक्सपोर्ट बेनिफिट मिल जाएगा क्लियर ये दोनों का इंपैक्ट मैंने आपको समझा दिया पर हां एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में तो पहले भी अगर ये दोनों पॉइंट यहाँ पे नहीं भी होते तो भी एक्सपोर्ट में वैसे भी कवर हो रहे थे तो वहां तो इंपैक्ट नहीं आया अमेंडमेंट करने की वजह से पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस में इंपैक्ट आ गया क्लियर माहौल सरकार आइए अब IJST Act में दो नए सर्कुलर एड किए सी मैं आपको बता देता तो, वो सर्कुलर क्लियर बाकी का पॉइंट एस किया वो भी आपने जो एयरक्राफ्ट वाला पढ़ा हुआ वा था वहां पे शिप और वेसल दिए बस सर अब आइए दो सर्कुलर की बात कर लेते हम सर सर्कुलर सर द डिपार्टमेंट अगर आपका लॉ आता है तो हम क्लेरिफिकेशन अपना खुद ही समझ लेंगे सर देखते हैं सर

सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया का होना चाहिए रेसिपेंट ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया का होना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए पेमेंट जो होना चाहिए वो कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज में आना चाहिए और जहां पर भी गवर्मेंट ने अलाउ किया हुआ है कि सर आरबी ने अलाउ किया वहां पर अगर आई एनआरबी भी आ रहा तो चल जाएगा एंड लास्ट कंडीशन थी क्या वो बड़ी इंपोर्टेंट है और इसी के लिए सर्कुलर आया लास्ट कंडीशन थी क्या सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपेंट ऑफ सर्विस सेम पर्सन के डिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने चाहिए द सप्लायर ऑफ सर्विस एंड रेसिपेंट ऑफ सर्विस आर नॉट मेयरली एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट पर्सन पर्सन इन विद एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन नंबर मतलब साहब सेम के अगर एस्टेब्लिशमेंट हुए तो सिंस दोनों आपस में ट्रांजेक्शन दिखा दिखा के सर्विसेज के ट्रांजेक्शन दिखा दिखा के एक्सपोर्ट के मजे लेंगे इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने चाहिए ये एक्सपोर्ट की कंडीशन नंबर पांच थी इस पे ही डाउट आया इस पे ही सर्कुलर इश्यू किया मैं आपको डाउट का हेंट दे देता हूं हूँ डाउट का हिंट ये है डाउट ये है कि मान लो कोई फॉरेन कंपनी जो आउट ऑफ इंडिया है उसको किसी इंडियन कंपनी ने इंडियन कंपनी ने सर्विसेज दी तो सर अगर वो फॉरेन कंपनी जो आउट ऑफ इंडिया है वो पेरेंट कंपनी थी और यहाँ पे जो इंडिया में कंपनी लोकेटेड है वो उसकी सिस्टर कंसर्न है या उसकी सब्सिडी कंपनी है तो सर इन्होंने आपस में जो ट्रांजेक्शन किया क्या वो एक्सपोर्ट के स्कोप में आएगा या उस कंडीशन में फाइ की वजह से एक्सपोर्ट में नहीं आएगा दिस क्वेश्चन तो उसको एनालाइज किया इस पूरे सर्कुलर तो सर मैं मैं में आपको पहले समझा हूं, फिर सर्कुलर को पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको सबसे पहली बात अगर भाई सेम पर्सन की दो डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट है देखो सर आप तो क्या डायरेक्ट को समझिए Sir, clear, अपना समझ में आएगा सर सरना आर नॉट मियरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंग पर्सन क्लियर और डिस्टिंग पर्सन क्या होता है जब सेम पेन नंबर होता है सेम पर्सन होता है हा है ना अब आप मुझे बताओ सर अगर कोई फॉरेन कंपनी की कोई यहाँ ब्रांच है रिप्रेजेंटेशन ऑफिस है या इंडियन कंपनी कोई है उसका कोई ब्रांच है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आउट ऑफ इंडिया है जो वहां के लॉज में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है सर मान लो कोई इंडियन कंपनी है उसका एक ब्रांच है सिंगापुर में जो वहां के लॉ में नया अलग से इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनी है तो तो वो सर ऐसे केस में इंडिया कंपनी की ही दूसरा एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा पर अगर मान लो कोई एक इंडियन कंपनी है उसने अपना एक ब्रांच ओपन किया सिंगापुर में पर सिंगापुर के लॉज के अंदर उसका एक नया एज अ नया कंपनी नया पर्सन की तरह उसने वहां पर लीगली अपने आप को रजिस्टर करा दिया है तो आप मुझे बताओ सर वो कंपनी अपने आप में एक अलग पर्सन बन गया है और ये कंपनी अपने आप में एक अलग कंपनी है तो सर ऐसे केस में वो मेयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएंगे और ऐसे केस में सर अगर उन्होंने आपस में ट्रांजैक्शन किया मतलब इंडियन कंपनी ने आउट ऑफ इंडिया कुछ सर्विसेज दी तो यस अगर अदर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो एक्सपोर्ट के स्कोप में आएगी बस ये समझाना चाहे है इस सर्कुलर ने और कुछ नहीं सर ओके okay, चलिए तो सर इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर सारे रेफरेंस में जो रिलेवेंट प्रोविजन थे उनको भी एक्सप्लेन किया कि सर जैसे यहाँ पे रेफरेंस दिया है एक्सप्लेनेशन वन ऑफ सेक्शन नंबर एट तो एक्सप्लेनेशन वन ऑफ सेक्शन नंबर एट क्या कहता है वो देखिए वहां पे डिफाइन किया हुआ है फॉर द दर्पज ऑफ दिस एक्ट वेयर अ पर्सन हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया सेम पर्सन देखो वेयर अ पर्सन हैज

एस्टेब्लिशमेंट इन ए स्टेट और यूनियन टेरेटरी एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड विद इन दैट स्टेट ओनली सर और यूनियन टेरेटरी अगर उसी स्टेट में वो रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में वो डिस्टिंग पर्सन कहलाएंगे आपको पता है सर सेम स्टेट में दो अलग अलग रजिस्टर्स नंबर ले लिए तो भी वो डिस्टिंग पर्सन कहलाते हैं तो ऐसे केस में सच एस्टेब्लिशमेंट शेल बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी डिस्टिंग पर्सन ठीक है पर्सन इन इंडिया उट ऑफ इंडिया तो रेफरेंस एक्सप्लेन टू क्या कहता है एजेंसी और रिप्रेजेंटेशन ऑफिस इन एनी टेरिटरी शेल बी ट्रीटेड इजिंग एन एस्टेब्लिशमेंट इन दैट टेरिटरी सर अगर अपना कोई ब्रांच है तो माना जाएगा हमारा वहां पर एक एस्टेब्लिशमेंट है टर्म पर्सन सर पर्सन वर्ड को भी यहाँ रेफर करिएगा और सर पर्सन वर्ड के जो मेन वर्ड्स है वो मैं बता रहा हूँ जो इस सर्कुलर में रिलेवेंट है आपको पता है पर्सन वर्ड में हर एक पर्सन को इंक्लूड किया है पे कुछ भी नहीं छोड़ा है पर उसमें एक कंपनी अलग से लिखा है और एक बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉज ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया सर ध्यान देना बेटा सर जैसे कोई फॉरेन कंपनी है वो आउट ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है उसने इंडिया में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया मतलब इंडियन कंपनी में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी ना सर क्लियर वो भी पर्सन के स्कोप में है और इंडियन कंपनी तो कंपनी कहलाएगी सर वो पर्सन के स्कोप में ही है ये अगले वर्ड में डिफाइन किया हुआ है सर यहाँ पर अगले पॉइंट में कंपनी कंपनी अ इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनीज लो ठीक है सर कंपनी लो में डिफाइन किया हुआ सर ये और सेकंड फॉरेन कंपनी मीन एनी कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इंडिया में उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाई इट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर कुल मिला के उसका एक ब्रांच इंडिया के अंदर है और सर उसका इनकॉर्पोरेशन जो हुआ है वो आउट ऑफ इंडिया हुआ है तो उसको बोलेंगे कंपनी साहब क्लियर जो इंडिया में बिजनेस कर रही है सर हा इंडिया में इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है तो सर ऐसे केस में ध्यान देना बेटा सर जब हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को वापस एनालाइज करते हैं तो सर या क्या बोला है सेम पर्सन होना चाहिए बेटा और सेम पर्सन कब होगा जब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ सिंपल सी बात यह है कंक्लूड करता हूं, हूं यहां पे जो लिखा हुआ है उनको मैं समझा रहा हूं ये लीगल प्रोविजन मैंने आपके साथ, साथ में डिस्कस कर लिए है, है, है कि अगर सेम पर्सन का एक कोई ब्रांच रिप्रेजेंटेशन ऑफिस सर अगर आउट ऑफ इंडिया है या कोई एजेंसी एजेंट आउट ऑफ इंडिया है जिसका उसने वहां के लोज में इनकॉर्पोरेशन नहीं करा रखा है तो ऐसे केस में वो कंपनी तो इंडिया की कंपनी है साहब लीगल एंटिटी तो वो एक ही है तो ऐसे केस में वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे और उन्होंने अगर मान लो इंडियन कंपनी ने आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी को आउट ऑफ इंडिया वाले ब्रांच को सर्विसेज दी तो वो एक्सपोर्ट के स्कोप में नहीं आएगी क्योंकि वो मियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी डिस्टिंग पर्सन है पर सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं आपसे सर अगर मान लो इंडिया की कोई कंपनी है जिसने आउट ऑफ इंडिया एक ब्रांच ओपन करी सिंगापुर में ब्रांच ओपन करी पर उसको वहां के लॉज में इनकॉर्पोरेट करा दिया वहां के लॉज में अगर इनकॉर्पोरेट करा दिया तो वो एक सर सेपरेट पर्सन बन गया है क्योंकि कंपनी अलग पर्सन है और आप देखिए सर कंपनी अलग पर्सन है और एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉज ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया वो अलग पर्सन है तो सर दोनों अगर अलग अलग पर्सन हो जाएंगे तो सर ऐसे केस में वो मेयर एस्टेब्लिशमेंट मेयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंग पर्सन नहीं कहलाएंगे क्योंकि दोनों ही लीगली अलग अलग सेपरेट पर्सन हो गए सर तो ऐसे केस में अब इंडियन कंपनी उस फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो सर वो मेयर एटेब्लिशमेंट मेयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ़ डिस्टिंग पर्सन नहीं कहलाएंगे और वहाँ पर सप्लायर अगर इंडिया का है रेसिपेंट आउट ऑफ इंडिया है प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया है पेमेंट जो है वो फॉरेन करेंसी में आया है क्लियर या फिर जहाँ पे आर बी एन एल ओके वहाँ आई एन आर में आया है प्लस दोनों मेयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंग पर्सन नहीं है वो एक्सपोर्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेंगे और ऐसे केस में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा और बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट मिलेंगे समझे मेरी बात और सर अगर वही उसने सिंगापुर की ब्रांच को सर्विस दी होती जो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है इंटर स्टेट सप्लाई के, तो के, तो के स्कोप में आके आईजीएसटी पे करना पड़ता सप्लायर को ओके okay? क्लियर सेम वे अगर हम रिवर्स कैलकुलेट रिवर्स बात करें सिंगापुर की कोई कंपनी है चलो कंट्री चेंज कर लेते आपको तो, जापान की कोई कंपनी है और उन्होंने मुंबई में कोई अपना एक ब्रांच ओपन किया हुआ है ब्रांच या एजेंसी या रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस ओपन किया जिसका इंडियन लॉ में कोई इनकॉर्पोरेशन नहीं कराया है तो ऐसे केस में सर वो मेयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कहलाएंगे अब इंडियन ब्रांच सिंगापुर सॉरी जापान की उस कंपनी को सर्विस दे रहे तो एक्सपोर्ट में कवर नहीं होगा क्लियर यही अगर सर जापान की कोई कंपनी है उसने इंडिया में अगर अपना है कोई एस्टेब्लिशमेंट ओपन किया है पर उसने अपना इंडियन लॉज के अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह रजिस्ट्रेशन करवा दिया है तो वो दो अलग अलग पर्सन हो गए हैं अब वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंग पर्सन नहीं कहलाएंगे अब इंडियन कंपनी इंडियन पर्सन जो जापान की ही कंपनी थी उसने अगर जापान की अपनी होल्डिंग कंपनी को या जो पेरेंट कंपनी थी उसको सर्विस दी तो सर अगर अदर कंडीशन है तो वो एक्सपोर्ट में कवर होगा क्योंकि वो ऑफ पर्सन नहीं कहला रहे हैं क्लियर डन तो शायद पूरी बात आपको पिक्चर समझ में आ गई ओके बच्चों डन और एक लाइन में अगर कंक्लूड करूं तो सिंपल सी बात यह है कि अगर अगर आपने अपने ब्रांच का या रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफिस का या एजेंसी का रेस्पेक्टिव कंट्री के Laws में अगर इनकॉर्पोरेशन करा दिया तो एक सेपरेट लीगल पर्सन बन गया वो मेयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी डिस्टिंग पर्सन नहीं कहलाएगा ओके okay? डन चलिए सरकार आइए सेकंड सर्कुलर पे बढ़ते हैं हम जो सर्कुलर रिगार्डिंग इंटरमीडियरी सर इंटरमीडियरी के लिए सर्कुलर क्या आया वो सुनेगा ध्यान से सर सिंपल सा इंटरमीडियरी कौन होता है जो दो लोगों के बीच में डील करवाता है Of goods or service, yes, का. वो खुद सप्लाई नहीं कर रहा है, principle principle हाँ ना उसको बोलते है क्या इंटरमीडिये ध्यान से डिफाइन क्या हुआ है अब इसमें क्यों सर्कुलर है वो एक बार पढ़िए आप इंटरमीडियट मीन ब्रोकर एन एजेंट और एनी अदर पर्सन बाय वेल्डेज और फैसिलिटेट द

जहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपेंट ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया है तो ऐसे केस में सर इंटरमीडिएट सर्विस के, केस में सेक्शन नंबर थर्टीन सब सेक्शन एट लगता है और सेक्शन नंबर थर्टीन सब सेक्शन एट बोलता है सप्लायर का लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरमीडिएट सर्विसेज लोकेशन ऑफ सप्लायर शेल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपेंट के लोकेशन से कोई मतलब नहीं है अब सर यहां पर पूरे ट्रांजेक्शन पे टैक्सेबिलिटी का बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा सर अगर कोई सर्विस इंटरमीडियट के स्कोप में आती है तो इसलिए द टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके तो सर इसको समझाने के लिए बताया है कि सबसे पहला पॉइंट देयर देयर शुड शुड बी बी मिनिमम मिनिमम थ्री थ्री पार्टीज पार्टीज भाई दो पार्टी अगर है तो सप्लायर और रेसिपिएंट हो गए वो तो आए ना तो सर दो पार्टी नहीं मिनिमम थ्री पार्टी चाहिए एक सप्लायर एक रेसिपिएंट और इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन कराने वाला पर्सन जो एजेंट होगा या ब्रोकर होगा जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं सर, जो फैसिलिटेट कर रहा है जो अरेंज कर रहा है ट्रांजेक्शन बिटवीन दीस टू पीपल सेकेंड टू डिस्टिंग सप्लाईज होती है इसमें सर होती है एक तो मान लो सर बायर है आप सप्लायर हो तो सप्लायर ने बायर को गुड्स या सर्विसेज या सिक्योरिटी बेची है तो आप बेचने वाले मैं खरीदने वाला ये तो हो गया मेन ट्रांजेक्शन और सेकेंड इन दोनों के बीच में डील कराने वाला जो एजेंट है वो भी तो अपनी सर्विस दे रहा है वो फ्री में काम तो कर नहीं रहा है तो सर वो जो अपना ब्रोकरेज का या कमीशन का जो बिल लिख रहा है वो है इंटरमीडियरी सर्विस तो सर यहां पे दो सप्लाई है एक तो मेन सप्लाय और एक एंसिलरी सप्लाई विच इज फैसिलिटेटिंग द ट्रांजेक्शन बिटवीन दिज टू प्रिंसिपल दीज टू पर्सन क्लियर सर ध्यान दीजिएगा थर्ड

जो खुद के ब्याह पे सप्लाई नहीं कर रहा है वो मियरली अरेंज कर रहा है फैसिलिटेट कर रहा है ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पर्सन क्लियर वही है ओके। सर पॉइंट पॉइंट नंबर नंबर सर्विस ऑन हीज ऑन अकाउंट सर जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तो यहां पर मैं एजेंट नहीं हूं हाँ आपने हमारे पेनड्राइव लेक्चर हमारे किसी एजेंट के थ्रू परचेज किए होते तो उन्होंने क्या किया है सर आपके और मेरे बीच का ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट किया है अरेंज करवाया है तो, तो नाउ वॉट कमीशन दे आर चार्जिंग फ्रॉम अस इज इंटरमीडिएट सर्विसेज दे आर नॉट सेलिंग ऑन देयर ओन बिहाफ हाँ अगर कोई मान लो मेरे से ये मेरी मान लो पेनड्राइव लेक्चर परचेज कर लेता है मैंने मान लो ट्वेल्व थाउजेंड में सेल कर दिया अब वो आगे फिफ्टीन थाउजेंड में सेल करे ट्वेंटी में सेल करे फाइव में सेल करे ये उनका लुकआउट है तो वो मेरा एजेंट नहीं है वो सेल कर रहे ऑन देयर ओन बिहाफ क्लियर समझे कोई मेरा एजेंट है जो मेरे और आपके बीच में डील करा रहे है, बीच में कमीशन ले रहे तो वो इंटरमीडियट है सर्विस इज नॉट एन इंटरमीडियरी सर्विस सर मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है काम समझना बात को ध्यान से जैसे फॉर एग्जांपल यशवंत मंगल इज कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग मैं एक बिल्डर हूं साहब मैं एक बिल्डर हूं मैंने आपसे सर एक लैंड परचेज करी या आपने मेरे को लैंड लॉन्ग टर्म लीज पे दे दी सर अब उस पर बिल्डिंग बना रहा हूं मैं बिल्डर तो सर बिल्डर तो क्या बड़े इन्वेस्टर होते सर उन्होंने क्या किया एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे किसी कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस दे दी <coughs> कॉन्ट्रैक्ट दे दिया सर कॉन्ट्रैक्टर ने बोला मैं ये बिल्डिंग बनाऊंगा माल मटेरियल लेबर सब मेरा हंड्रेड करोड़ चार्ज करूंगा मैंने कहा डन नाउ ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मी अब उसने क्या किया ये काम सब कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया मान लो मिस्टर रोहित को मिस्टर रोहित भी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर साहब उन्होंने ये काम, काम दिया था मिस्टर अजय को अजय ने सर्विस दे दी सब कॉन्ट्रैक्ट पे किसको मिस्टर रोहित को नाउ <coughs> मिस्टर रोहित इस सब कॉन्ट्रैक्टर इस सप्लाइंग सर्विसेज एट माय लैंड और सर वहां पे वो बिल्डिंग बना रहे तो एक तरह से रोहित मेरे से इंटरेक्ट कर रहा है कि सर मैं बिल्डिंग ये बना रहा हूं और मेरे को कोई काम होगा तो मैं रोहित को बोल रहा हूं नो डाउट सर मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मिस्टर अजय से था अजय का कॉन्ट्रैक्ट था रोहित से पर हो सकता है रोहित को मेरे से कुछ इंटर करना पड़े कुछ उसको समझना है तो हो सकता है उसने मेरे से बात करी इसका मतलब ये है क्या कि रोहित इज एक्टिंग एज एजेंट नो या मिस्टर अजय इज प्रोवाइडिंग सर्विस एज एन एजेंट नो या फिर प्रिंसिपल टू तो प्रिंसिपल पे काम चल रहा है यहां पर मैंने मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया अजय को तो अजय इज प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट सर्विस टू मी एंड रोहित इज प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट सर्विस टू मिस्टर अजय हीज नॉट एक्टिंग एज एन एजेंट नहीं मिस्टर अजय इज एक्टिंग एज एन एजेंट दोनों मेन सप्लाई कर रहे सर्विस क्लियर सर वही एबीसी का एक्साम्पल देखे समझाया हुआ है स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरमीडियट सर्विस अंडर सेक्शन नंबर 13 ऑफ दी एक्ट शेल बी इनवॉल्व ओनली वेन

सर्कुलर में दिए होते है, में हैं डायरेक्ट एज इज इसमें नाम चेंज कर देंगे और वो क्वेश्चन के आ जाएगा एग्जाम के अंदर ध्यान बाय आइडेंटिफाइंग क्लाइंट बी हुट टू परचेज दिस मशीन एंड हेल्प इन फाइनलाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई मशीन बाय ए टू बी और उसके लिए मतलब C, एक हो न, ही दिख रहा है

C is facilitating the supply of machine between A and B a. sir in this arrangement C is providing ancillary service of supply of arranging or facilitating the main supply of machinery between A and B that therefore C is an C, C is an in, uh, intermediary and providing intermediary services to Mr A clear sir simple si election number 2 A is a software company

कुछ एक पर्टिकुलर मॉडल सॉफ्टवेयर का कोई पार्ट बनाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया इसको सी को आउटसोर्स कर दिया अब सर सी जब वो सॉफ्टवेयर का, का तो मॉडल तो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या वो पूछने के हो सकता है सी को इंटरेक्ट भी करना पड़े मीन सी इज एक्टिंग एज एन एजेंट या ए इज एक्टिंग एज एन एजेंट पढ़िए सर फॉर विच सी मे हैव टू इंटरेक्ट विद बी ऑल्सो टू नो देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इन दिस केस

लोकेटेड आउटसाइड इंडिया रिक्वायर्स टू प्रोसेस इंश्योरेंस क्लेम्स ऑफ इट्स क्लाइंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय पी टू इट्स क्लाइंट अब पी के कुछ क्लाइंट है जो हिंदुस्तान में पी आउट ऑफ इंडिया एक इंश्योरेंस कंपनी है अब उसको इंश्योरेंस क्लेम जो प्रोसेस करने उसके लिए कोई पर्सन चाहिए यहाँ पे जो प्रॉपरली इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस कर पाए उसके लिए सर पी ने डिसाइड किया टू आउटसोर्स दिस वर्क टू समर फॉर्म फॉर दिस परोचे क्यू विच इज लोकेटेड इन इंडिया ध्यान सुनना पी ने अप्रोच किया क्यू को जो क्यू क्यू इंडिया में लोकेटेड था फॉर अरेंजिंग इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग सर्विस फ्रॉम अदर सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया सर पी ने क्यू को बोला भाई ऐसा कोई आदमी ढूंढ के बता जो हमारे इंश्योरेंस क्लेम को प्रोसेस कर पाए इंडिया के अंदर क्यू ने उसकी मदद करी क्यू ने ऐसा पर्सन ढूंढा और क्यू ने सर आर को ढूंढ लिया अब आर क्या करेगा इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग सर्विस देगा अच्छा अब आर सर्विस देगा किसको पी को क्यू ने क्या किया है केवल दोनों को मिलाया है पी और आर को मिलाने वाला पर्सन कौन है क्यू है क्लियर क्योंकि पी ने क्यू को क्या बोला तुम ऐसे किसी पर्सन से हमको मिलवा दो हमको एक ऐसा कोई पर्सन अरेंज करा दो जो हमारे लिए इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग की सर्विस प्रोवाइड कर पाए और सर हमारा काम हो जाए उसके लिए सर क्यू ने पी से कमीशन भी लिया है या सर्विस चार्ज लिया वन पर्सन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग सर्विस प्रोवाइड बाय आर टू बी तो सर जो भी बिल आर लिखेगा पी को क्योंकि एक तरह से आर इज प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग सर्विसेज टू पी जो भी बिल इसका होगा उसका एक परसेंट कमीशन चाहिए मिस्टर क्यू को क्लियर एज अ सर्विस फीस मान लो कमीशन मान लो कुछ भी मान लो सर तो ऐसे केस में आप मुझे बताओ सर क्यू इज जस्ट अरेंजिंग द सर्विस बिटवीन पी एंड आर ज एक्टिंग एज एन एजेंट और वो जस्ट क्या कर रहा है ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है उसने ट्रांजेक्शन तो सर yes, यहाँ पर क्यों क्या कहलाएगा इंटरमीडिएट की सर्विस के स्कोप में आएगा और accordingly, provisions होंगे आइए अकॉर्डिंगलीस्ट इस सर्कुलर का इलेक्ट्रेन नंबर फोर ए इज based एंड सप्लायर ऑफ and बेस्ड इन goods all ऑल ओवर world ओके okay. ए manufacturer कंप्यूटर का और पूरे इंडिया में आ, पूरे वर्ल्ड में बेचता है ये यूएसए में लोकेटेड है ज ए पार्ट ऑफ दिस सप्लाई ए इज ऑल्सो रिक्वायर टू प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विस टू इट्स कस्टमर टू एड्रेस एंड कंप्लेन रिलेटेड टू दी से कस्टमर केयर सर्विस देनी पड़ती है बैठा है तो ए डिसाइड टू आउटसोर्स द टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग द कस्टमर सर केयर सर्विस टू अम बी सर ए ने क्या क्या बी को आउटसोर्स कर देखा हम कि हमारे जो भी कस्टमर का

सर बी प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विसेज टू ए बाय इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर्स ऑफ ए एंड एड्रेसिंग और प्रोसेसिंग दर क्वेरीज और कंप्लेंट्स इसके लिए बी चार्ज करेगा ए को फॉर दिस सर्विस बी चार्जेज ए

नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मेगा लिस्ट उसमें कहा, कहा अमेंडमेंट्स थे वो भी हम देख लेते हैं ओके okay, सर आई होप आपको अमेंडमेंट समझ आ रहे सर्कुलर भी समझ आ रहे और माहौल बन रहा है आपके एंड अब सर मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में जो सबसे पहला अमेंडमेंट था वो ये है बच्चों कि जहां जहां पूरे मेगा एग्जामिशन लिस्ट में

अमेंडमेंट क्या है वो तो मैं बताता हूँ सर जी इनकम टैक्स एक्ट में आपको पता होगा जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो ट्रस्ट है वो पहले सेक्शन नंबर डबल में, में रजिस्टर्ड होती थी अभी नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया सेक्शन नंबर ट्वेल्व ए बी और वहां पर जैसे मैं इनकम टैक्स का तो एक्सपर्ट नहीं हूं आप लोगों को ज्यादा नॉलेज होगी इनकम टैक्स की पर हाँ जस्ट जितना मेरे को पता उतना शेयर कर देता हूं इनकम टैक्स एक्ट में आप बोल दिया कि इन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन लेना होगा सेक्शन नंबर ट्वेल्व ए बी के अंदर

सेक्शन नंबर ट्वेल्व डबल ए रेफर हुआ था वहां सब जगह ट्वेल्थ ए भी कर दिया ठीक है थीके? तो सर ऐसा जीएसटी में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है ठीक है कोई चेंज नहीं है अब आपको मैं जहां जहां ट्वेल्व ए बी था वहां वहां मैंने इसके अमेंडमेंट नोट्स में वो सब मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट जो आपको पी दे रहा हूँ अमेंडमेंट नोट्स उसमें लिखा है ए बी लिखा है उसके आगे पर सर सारे चीज आ, उसकी वजह से आप टेंशन मत लीजिएगा बहुत कम अमेंडमेंट है सर उसकी वजह कोई चेंज नहीं तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं बस ट्वेल्व ए बी जा रहा है वो देखना है क्योंकि यहाँ ट्वेल्ल ए बी लिखा हमने फिर यहाँ एनालिसिस में भी ट्वेल्ल ए भी लिखा हमने क्लियर देखिए यहाँ पर भी ट्वेल्व ए बी रेफर किया हमने सर फिर जहाँ जहाँ क्वेश्चन आ रहे थे वहाँ पर भी ट्वेल्व डबल ए जहा जहा था वहाँ ट्वेल्थ ए बी कर दिया तो वो एच एस वो अमेंडमेंट नहीं बस ट्वेल्व ए बी रेफर करना है आपको ध्यान रखना है जैसे ओल्ड एज होम वाली सर्विस के लिए ट्वेल्व डबल ए था ट्वेल्व ए बी भी लिख दिया देन यहाँ पर भी नेक्स्ट रिहेबिलेशन प्रोफेशनल उसमें भी ट्वेल्व डबल ए रेफर हो रहा था वहाँ पर ट्वेल्व ए बी लिख दिया सर हमने हमने क्या लिखा कानून ने लिखा सर आइए अब एक सर्कुलर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए आया था सर अच्छा सर्कुलर है सुनिएगा ध्यान से सर आपको और मेरे को यह पता है हमने ये पढ़ा था कि जो एजुकेशनल बोर्ड होते हैं सर जैसे सी बी एस ई बोर्ड हो गया है हाँ ना या कोई स्टेट बोर्ड हो गया सर यह भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आते हैं फॉर द लिमिटेड परपजेस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन जैसे आपने बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे या आपके बच्चे अब देंगे बेटा जल्दी मतलब आप जल्दी ये कर लो सर आप सर तो ऐसे केस में जो बोर्ड फीस हम पे करते हैं एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा तो फॉर दी फॉर दी लिमिटेड कंडक्टिंग एग्जामिनेशन दी बोर्ड इन बोर्ड को क्या बोलते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानते हैं बुक में ऑलरेडी था पढ़ो सर आप फॉर द रिमूव ऑफ डाउट इट इज क्लियरिफाइड दैट इट इज क्लियरिफाइड दैट सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशनल बोर्ड शेल बी ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर दी फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू दा ए ना कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू स्टूडेंट्स के लिए इन स्टेट और सेंट्रल बोर्ड्स को एजुकेशनल बोर्ड को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा क्लियर तो सर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड इन्होंने कोई भी सर्विस दी है उस पर जो फीस लिया उस पर जीएसटी एग्जाम भले वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो क्लियर प्लस इन्होंने कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की कोई भी सर्विस ली है उस पर भी जीएसटी एग्जाम टू जाएगा साथ? है ना तो सर वो सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया और बोल दिया उसके अलावा जो सर्विस होगी दोज विल बी टैक्सेबल ओके नाउ सर्कुलर ने क्या के बोला वो देख लीजिए आप फर्स्ट पॉइंट देखो सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड इंक्लूड एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑन चार्जिंग ऑफ अ फीस फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इनपुट सर्विसेज फॉर कंडक्टिंग सच एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए उनको कोई एग्जामिनेशन हॉल चाहिए बेटा किसी कॉलेज की सर्विसेज ली उन्होंने स्टूडेंट्स एक्डेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल्स उनको कोई डिग्री देनी है कोई एक्रिडेशन देना है सर उसके लिए फीस लिया बेटा उन्होंने सो एस टू अथोराइज टू प्रोवाइड दियर रेस्पेक्टिव सर्विस क्लियर इस तरह की कई सारी सर्विसेज देते हैं सर तो सर एग्जाम्पल के लिए यहां पर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन लिया हुआ है एन बी ई है ना ऐसे कई सारे एजुकेशनल बोर्ड से तो सर इलेट्रेटिवली एन बी प्रोवाइड सर्विस ऑफ कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू कोर्सेज इंक्लूडिंग डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड अब ये एग्जाम के नाम याद करने की जरूरत नहीं बेटा आपको एंड फेलो नेशनल बोर्ड प्रिस्क्राइब कोर्सेज एंड करिकुलम फॉर पी जी मेडिकल स्टडीज जो डॉक्टर्स वगैरह के लिए होता है

लिमिटेड पर्पजेज ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इसको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा okay? सरकार अब इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अगर सर्विस प्रोवाइड करी है टू इट स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ वो एग्जाम सेकेंड सर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सर्विसेज बाइ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाइफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन वो भी क्या होगी एग्जाम ये रेफरेंस दिया सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक दी कौन सी वन ऑफ द इंटीट्यूशन एग्जाम प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलेटिंग टू टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑल्सो एक्सम फ्रॉम जीएसटी ओके मालिक तो सर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन वाली या एडमिशन टू सच इंस्टीट्यूशन वाली सर्विस अगर आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दी तो वो एक्टी सर क्लियर अब पॉइंट आया कि ये नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो सर्विसेज दे रहा वो होगी कि नहीं होगी तो वहां बोल दिया सर जीएसटी इज ऑन दी सर्विस प्रोवाइड और स्टेट बोर्ड

प्रोवाइड किया सो so दैट वो आगे अपना रेस्पेक्टिव सर्विस प्रोवाइड कर पाए तो सर ऐसे केस में उसके लिए कोई फीस चार्ज किया तो वो एग्जाम का है नहीं सर वो ऑफ एग्जाम है नहीं क्लियर तो यहाँ लिख दिया क्या फर्दर जीएसटी एस एट द रेट ऑफ एटीन परसेंट अप्लाइज टू अदर सर्विस नेमली प्रोवाइडिंग्रीडेशन टू एन इंस्टीट्यूशन और जिसके लिए वो लोग एक्रिडेशन फीस चार्ज कर रहे हैं या रजिस्ट्रेशन फी सच इज फी फॉर एफ स्क्रीनिंग टेस्ट सो एजू

आंगनवाड़ी केंद्र तो छोटे छोटे स्कूल जो प्ले स्कूल होता है ना सर प्ले ग्रुप जिसको हम बोलते हैं सर आजकल तो सर जिनके पास अच्छा पैसा होता है सर वो तो अपने बच्चों को भेज पाते हैं बड़े बड़े स्कूल्स में बड़ी बड़ी ब्रांडेड स्कूल में जहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा होती है सर क्लियर पर सर जो पुअर पीपल होते हैं या जो जिनके पास इतना फाइनेंशियल नहीं होता है बैकग्राउंड अच्छा वो लोग क्या करेंगे तो उनके लिए आंगनवाड़ी चलाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट की एक तरह से ये छोटे स्कूल होते हैं आपने देखा होगा पेड़ के नीचे बैठ के कई बार सोशल मीडिया पर देखा होगा पढ़ रहे बच्चे इस तरह के पेड़ तो नहीं होते मतलब पेड़ स्कूल होता है प्रॉपर उसके लिए तो वहां पर मिड डे मील के थ्रू जो खाना प्रोवाइड किया गया उसके लिए जो फीस चार्ज करी उस पर जीएसटी एग्जाम नहीं है तो सर पहला बात तो ये ये आंगनवाड़ी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में आता है ये आंगनवाड़ी भी फॉर्मल सर जो स्कूल होते हैं उसी कैटेगरी में आते हैं सर अब स्कूल को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्कोप में रखा हुआ सर और वहां पर अगर आप सर्विसेज प्रोडक्ट टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कैटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मिल्स स्कीम स्पॉन्सर्ड बावर्मेंट और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम पर हां यह लिखा था सर्विसेज बाई वे ऑफ कैटरिंग इंक्लूडिंग एनी मिड डे मिल्स स्कीम स्पॉन्सर्ड बाई देंट्र गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट इसका मतलब ये नहीं कि केवल और केवल सेंट्रल गवर्मेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो मिड डे मिल्स स्कीम स्पॉन्सर कर वही एग्जाम होगी सर कैटरिंग सर्विस कोई भी प्रोवाइड करे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वो हो वो होगा भले ही कोई प्राइवेट कंपनी हो या सर कोई डोनर हो बड़ा सर उसने अगर किया है आंगनवाड़ी के लिए मिड डे मील स्कीम एक्सम रहेगा कोई दिक्कत नहीं सर ये इस सर्कुलर ने डिफाइन किया क्लियर तो सर आप तो डायरेक्टली ये पढ़ लीजिए मैंने बाकी पूरा एक्सप्लेन आपको कर दिया है पढ़ो अकॉर्डिंगली एज रिकमेंडेड बाई दी एस टी काउंसिल इट इज क्लैरिफाइड दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ सर्विंग ऑफ फूड कोई फर्क नहीं पड़ता और एग्जोनेशन मिलेगा इसलिए सर फर्दर इन्होंने बोल दिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज डिफाइंड इन दी नोटिफिकेशन इंक्लूड आंगनबाड़ी ऑल्सो इसलिए सर्विस ऑफ फूड आंगनवाड़ी शेल ऑल्सो बी कवर्ड बाईर के साथ में आ रहा है ठीक तो है मालिक एक बार आप ये जितने मैंने अमेंडमेंट आपको पढ़ा है एक बार इनको गो थ्रू कर लो चलो यहां ब्रेक ले लेते सर लेक्चर नंबर टू ऑफ अमेंडमेंट्स के लिए मिल देंगे सो so दैट आपके लिए एक बिल्कुल हैवी भी नहीं रहे और इजी वे में हंसते हंसते माहौल के साथ आपका अमेंडमेंट भी कवर हो जाए आपको लगे कि हाँ यार कोई लोड नहीं है सर माहौल हो गया सर क्लियर चलिए पढ़िए थैंक यू सो मच लव यू लॉट और हाँ हम सारे अमेंडमेंट कवर करेंगे डोंट वरी एवरी विल बी कवर आपको इनके अलावा कुछ और अमेंडमेंट नहीं देखना है ध्यान देना ये एग्जाम स्पेसिफिक अमेंडमेंट है जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वही अमेडमेंट हम पढ़ रहे हैं जैसे कोई अमेंडमेंट अगर थर्टी अक्टूबर टू ट्वेंटी वन के बाद आया है जो एप्लीकेबल हो गया उसके बाद तो सर वो आपके एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट नहीं है इसलिए हम उसको कवर नहीं करेंगे उसकी बात भी नहीं करेंगे वरना आप कंफ्यूज जाएंगे और उसके बेस पर अगर आपने आंसर लिख दिया तो गलत भी हो जाएगा सर ओके okay? डन तो सर मिलते हैं ब्रेक के बाद तब तक के लिए आप मस्त रहिए और हां खुश होकर पढ़ते रहिए थैंक यू सो मच लव यू